चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाएं। कभी नींद से जागे हम, कभी फिर सो जाएं। आपको नहीं सोना है, सोएंगे तो आप ब्लॉग मिस कर देंगे। के साथ शेयर कर रही हूँ संडे का ब्लॉग, जिसमें मैंने की थी ढेर सारी शॉपिंग और सुबह ब्रेकफास्ट मैं बनाया था दाल मखनी, क्योंकि सैटरडे संडे ना ऐसा मीनू बनाते हैं सुबह सुबह जो दोपहर में भी काम आ जाए। तो ये मस्त मस्त दाल मखनी और राइस ये नाश्ते में दिया था, जिससे कि लंबे टाइम तक भूख ना लगे। और दाल मखनी की जो दाल बॉईल की थी, उसमें से ही एक कटोरी दाल मैंने अपने लिए भी निकाल ली थी और मैंने उसी के साथ एक रोटी खा ली थी ब्रेकफास्ट में। तो ये इतना मज़ेदार ब्रेकफास्ट करने के बाद, तो फिर एक्सरसाइज के नाम पे आज कुछ नहीं, मैंने घिस घिस के बाथरूम साफ़ कर दिया। तो मैं खुश भी बहुत थी, क्योंकि मेरे नेक्स्ट 14 डेज़ का डाइट प्रोग्राम भी फिनिश हो गया था और आज चीट डे भी था। तो चीट डे भी और संडे भी और शॉपिंग भी, वाओ, टोटल मस्ती, टोटल धमाल हो गया आज तो मेरे साथ। मार्केट में जाके तो भाई कंफ्यूज इतनी हो जाती हूँ ना मैं, समझ में नहीं आता। हर चीज़ अच्छी लगती है, समझ में ये नहीं आता कि गाउन ज़्यादा अच्छा है या साड़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मैंने जो लेना था वो ले चुकी, साथ में मैं भूली नहीं थोड़ा सा वीडियो बनाना, जिससे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये शॉप जो है ना, बिल्कुल मतलब बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका शॉपिंग स्टेशन है और एक ही शॉप में सबका शॉपिंग हो जाता है। तो इसलिए ये शॉप पर्सनली हमें बहुत पसंद है। तो बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन था, न्यू अराइवल आइटम्स बहुत सारे थे। अगर वैसे दिखाती तो परमिशन भी नहीं थी दिखाने की, तो मैंने कुछ कुछ जो आँखों को भाग रहा था ज़्यादा सा, उसको मैंने शूट कर लिया। तो इस सेक्शन से हमने लिया साड़ी, मैंने अपने लिए साड़ी ली और मम्मी ने साड़ी ली अपने लिए। उसके बाद फिर हम किड्स के सेक्शन पे पहुँच गए, वहाँ पे निक्कू का ड्रेस लेना था। तो निक्कू अपने आप ही चॉइस कर रहा था कि ये चाहिए ये चाहिए। तो इसका भी फाइनल करने के बाद फिर जो है अभय के लिए हमने देखे ब्लेजर्स। ब्लेजर्स की मतलब इतनी वैरायटी थी कि आप कोई ना कोई तो ज़रूर लेके जाओगे ही, इतने ऑप्शन थे। तो मैं आपको थोड़ा सा शूट करके दिखा रही हूँ कि किस किस तरह का अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन भी है और साथ में शादियों के भी सीजन चलेंगे, तो ऑफ़र्स की भी भरमार रहेगी। तो ऑफ़र तो यहाँ भी था, हमें भी कुछ ऑफ़र मिला था, वो आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, पता नहीं कौन सा आइटम आपसे मिस हो जाए। तो जिनको वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर बहुत पसंद है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही ऑप्शन है यहाँ पर। और डार्क सेक्शन इस बार कम दिखा मुझे, लाइट सेक्शन बहुत ज़्यादा था, चाहे वो बच्चों का कलेक्शन हो या बड़ों का। तो डार्क में ऑप्शन कम अच्छे लग रहे थे, जो लाइट शेड्स थे वो बहुत ही बेहतरीन थे। तो यहाँ से अभय और निक्कू का भी फाइनल हो गया था जो लेना था। फिर बिलिंग, तो यहाँ से बिलिंग करवाने के बाद बच्चों को लग गई थी भूख, मम्मी को भी, सबको भूख लग गई थी क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। तो पहुँच गए KFC। अब KFC में क्या खाया ये मैंने शूट भी नहीं किया और मैं बताऊंगी भी नहीं, लेकिन चीट डे ज़रूर था, लेकिन अपने ऑप्शन पे पूरी कायम थी। तो ऐसा कुछ खाया मैंने जो कम ऑयल का था और प्रोटीन पोर्शन उसमें ज़्यादा था। तो चीट डे पे भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि प्रोटीन इंटेक और फाइबर इंटेक पूरा बराबर हो, अपनी पसंद का खा लो जो भी खाना है। तो यहाँ से फिर हम निकले हैं, क्योंकि इसके बाद हमको क्या लेना था, शूज लेने थे बच्चों के लिए। तो ये
इस मार्केट से हमें दूसरी मार्केट में जाना था, तो पूरा टाइम हमारा आज शॉपिंग 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 मार्केट में ही निकला। लंच डिनर सब बाहर का, तो आज तो बाकी बल्ले बल्ले हो गई थी। तो पहुंच गए हैं शूज की शॉप पर, वहां से शूज लेने हैं। तो बच्चे अपने शूज देखने लग गए और मैं थोड़ा सा शूट करने लगी, क्योंकि निकू सो गया था मेरी गोद में, तो उसको गोद में लिए लिए ही मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो 50% ऑफ में यहाँ पे चल रहा था, एडिडास के शूज फैक्ट्री प्राइस से मिल रहे थे। चलिए, ये लोग तो शूज़ देख रहे हैं, तब तक आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मुझसे कनेक्ट रहते रहें। मैं अपनी वीडियोज़ में ब्लॉग डालती हूँ वेट लॉस के, कुकिंग वीडियोस डालती हूँ, एंटरटेनमेंट वाले वीडियो भी डालती हूँ, तो टोटल मस्ती है मेरे चैनल पे। तो प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट रहिए और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे इसके अलावा वूमन्स का जो है ट्रैक पैंट ट्रैक सूट वाला कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, लेकिन प्राइस मुझे ज़्यादा लगी इसलिए मैंने नहीं लिया, क्योंकि अब मेरी जर्नी को एक महीना हो गया है वेट लॉस जर्नी को, और एक महीने के बाद अब मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगी। अब तक मैं केवल 15 दिन मैंने स्टार्टिंग में आधा घंटे की वॉक की थी और फिर नेक्स्ट 15 डेज में मैंने 1 घंटे की वॉक की है, उसके अलावा कोई एक्सरसाइज इंक्लूड अभी नहीं की है। अब मैं एक्सरसाइज इंक्लूड करूँगी। तो यहाँ बहुत अच्छी थी शर्ट्स के ऑप्शन, 2 का कॉम्बो 1500 में था, वो मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा इसलिए मैंने नहीं लिया। तो यहाँ बहुत अच्छा कलेक्शन है, मतलब शूज से लेके ट्रैक पैंट टी शर्ट सब कुछ। अगर आप जिम ज्वाइन करने वाले हैं या एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं तो ये प्लेस बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, सब कुछ आपको यहीं अवेलेबल मिलेगा। तो मुझे थोड़े से प्राइस जो है हाई लगी थी इसलिए मैंने नहीं लिया। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। मैं ये इसलिए गा रही हूँ कि शॉपिंग शॉपिंग तो आज बहुत हो गई थी, लेकिन शॉपिंग के साथ साथ मुझे 3 गिफ्ट भी मिले थे, तो वो गिफ्ट भी आपके साथ शेयर करूँगी कल के ब्लॉग में। कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना आप लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग कल का ब्लॉग होगा, क्योंकि मेरी जो 1 मंथ की जर्नी है वो ख़त्म हो गई है वेट लॉस, अब आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। उससे पहले आपको 1 मंथ का रिजल्ट मैं दिखाऊंगी कि मेरी बॉडी में क्या क्या चेंज हो गया है 1 महीने में, तो इसलिए कुछ लोगों के लिए वो बहुत हेल्पफुल वीडियो भी होगा, तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा उस ब्लॉग को देखना। तो ये शॉपिंग अभी भी जारी है, इतना शॉपिंग कर कर के थक गए, हाल बेहाल हो गए, लेकिन एक काम फिर भी रह गया, निक्कू बेटा को शूज पहनाना, क्योंकि जहाँ हमने शूज लिए हैं वहाँ निक्कू के साइज के शूज नहीं हैं, तो निक्कू के लिए अब हमें नेक्स्ट किड्स की शॉप पे जाना है जहाँ पे निक्कू के शूज मिले। तो यहाँ से ब्लिंक करवाने के बाद फिर हम चलते हैं निक्कू के लिए शॉप ढूंढने, निक्कू को शूज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अच्छे हैं कैसे हैं आप लोग बताइएगा। और मेरा वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है, थोड़ा भी आपका एंटरटेनमेंट हुआ है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। तो निक्कू की शॉप भी फाइनली मिल गई, और निक्कू की शॉप नहीं, निक्कू के लिए शॉप। तो निक्कू ने सबसे कम टाइम लिया, क्योंकि सिलेक्टिव पीस थे वहाँ पे, तो उन्हीं में से कलेक्ट कर लिया। चलिए, शॉपिंग तो ऑलमोस्ट फिनिश हो गई, लेकिन साथ में शाम भी हो गई, 6:30 का टाइम हो चुका है, और अब ये टेंशन घर पे क्या बनाएंगे क्या खाएंगे और मैं अपने लिए क्या बनाऊंगी, वो तो मैं तुरंत बना लेती हूँ। तो लौटते हुए ही हमने ले ली थी बिरयानी, मैं पूरे
28-29 दिन से राइस नहीं खाया है, तो ये शॉपिंग आइटम सब आ गए हैं और इनमें से मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमें रिवील नहीं किया, शॉप कीपर ने बताया कि आप इतना फिक्स अमाउंट के शॉपिंग करोगे तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा, तो ये तीन गिफ्ट हमें टोटल मिले, एक बच्चों पे कपड़ों पे, एक मम्मी के कपड़ों पे, एक मेरे कपड़ों पे। तो इनको मैं कल शेयर करूँगी और बस बिरयानी खा के भाई 28-29 दिन बाद बिरयानी खाई लेकिन बिल्कुल टेस्टी नहीं लगी क्योंकि चावल खाना ही मैं भूल गई। तो चावल मुझे वैसे अलाउ था हफ्ते में एक बार लेकिन नहीं खाया मैंने। बाय बाय।